जैसे मैं इस चला रहा हूँ ना, खड़क खड़क की आवाज आ रही है। सनसेट पॉइंट ना, प्यारा फील आ रहा है अभी यहाँ पे। 1000 सीसी का इंजन है भाई, जस्टिफाई है ए स्टार का। आने वाले टाइम पे मैं अपनी इस गाड़ी में बहुत कुछ चेंज करने वाला हूँ। ये हमारा स्टोर रूम है। ये है भाई गेहूँ, 40 किलो गेहूँ होगा। ये वाले है हमारे चावल, 50 किलो के आसपास। और ये मक्की है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसका भी एक बड़ा रीजन है। मेरे पास ए स्टार है, उसकी ना कैपेसिटी थोड़ी कम है और हमारे पास सामान बहुत ज्यादा है। तो देखते हैं ये सामान हमारे उस गाड़ी में आता है या नहीं आ पाता है। यहाँ पे ना वीडियो लगा रखी है मैंने अपलोडिंग के लिए, तो भाई 89% हुई है। नेट थोड़ा सा स्लो है यहाँ पे, सुबह के 9:46 हो रखे हैं। और भाई ना मेरा एंटीवायरस ना एक खत्म हो रखा है, इसको करेंगे बंद। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रनिंग बाउंड्रीज। ये है हमारा सरकारी स्कूल। कि भाई हमारे घर तक जो है गाड़ी नहीं जाती है, उसका भी मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। तो भाई आप बोलोगे कि भाई तू क्या बता रहा है हमें, इससे हमारा क्या लेना देना है। बट भाई देखो, जो मेरी प्रॉब्लम है वो तो मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ। इवन हमारे घर तक सरकारी रोड है भाई, हमें यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, उसके बाद हमें पैदल अपने घर तक जाना पड़ता है। तो अभी मैंने एक टीचर से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने गेट खोल दिया। ये है वो रोड, इसकी वजह से भाई हमें इतनी ज्यादा किल्लत होती है। कोई भी सामान लेके आना हो, अगर कोई बीमार भी हो ना भाई, तब भी हमें वहाँ स्कूल तक जाना ही पड़ता है। गाड़ी हमारी यहाँ पे पार्क होती है, प्लस हमें यहाँ से जाना पड़ता है अपने घर तक। और इवन भाई यहाँ से भी हमारा रोड जो है घर तक जाएगा। और ये हमारी यहाँ पे है भाभी जी। Hello. और ये कांसा है, मैंने इसको बोला है मेरे साथ चल स्कूल तक, पर ये चली नहीं। मैंने बोला था गाड़ी में आएंगे बैठ करके, है ना, बोला था कांसा। हेलो, हेलो, है ना। आकांक्षा नहीं आई, अब आकांक्षा ना उस साइड मुंह करके बैठी हुई है। फ्रंट टायर है और ये रियर टायर है, तो डिफरेंस देखो भाई, पीछे से गाड़ी बैठ गई है। अभी फिलहाल हमने पीछे एक ये बोरी रखी है और एक ये बोरी रखी है जो मैंने आपको बताया था। बाकी फट्टा फिलहाल ऐसे रखेंगे इसको, और बैग यहाँ पे आएंगे मीटर वाइज, और वहाँ पे ना एक सीट बैठने के लिए रहेगी। ये है भाई मेरी बाइक 2006 मॉडल। इसको भी मेरे पास अभी 8 साल हो चुके हैं। ये चाबी मैंने वहीं पे बनवाई थी भाई, उस टाइम शौक हुआ करता था अलग अलग तरह की चाबियाँ रखने का। और इसका आता था इस टाइप का मीटर होता था, जो कि भाई मुझे उस टाइम बहुत प्यारा लगता था। इससे पहले मेरे पास थी बजाज पल्सर 150 2009 मॉडल, मैंने उसको सेल आउट कर दिया था। उसके बाद मैंने ली थी 220, उसको मैंने सेल आउट कर दिया था। उसके बाद ली मैंने R15 वर्जन 2, उसको मैंने सेल आउट कर दिया। अभी मेरे पास रिसेंट है R15 वर्जन 3, और ये भाई इसको तो मैं कभी बेचूंगा नहीं, ये तो बहुत पुराना साथी है। इसके अलावा उस टाइम पे कितने प्यारे हुआ करते थे ना। चल ठीक है अम्मा, ओके बाय, ठीक है पिता। भाई गाड़ी का टायर देखो, पीछे वाला तो नीचे बैठ गया है और आगे वाला ऊपर उठ चुका है। ठीक है, आप फिर से सफर करने वाले हो। और ये है हमारे भोले बाबा जी। ओम नमः शिवाय। देखा आन्या भी देख रही है। बाय बाय आन्या, जाओ आप, बाय बाय टाटा। यहाँ पे छोड़े हुए थे भाई कपड़े लेने के लिए, जस्ट कपड़े लेने के बाद अभी हम निकल ही रहे हैं। भाई मुझे लगता है ये टायर चल पड़ेगा क्या साथ में, तभी देखते हैं भाई कहाँ तक गाड़ी जा पाती है इस सिचुएशन में, क्योंकि कंडीशन बहुत खतरनाक है। आगे जैसे जब चढ़ाई वगैरह आएगी ना, तो मैं इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ आपको, क्या नखरे दिखाती है या फिर सीधा चढ़ जाती है। और भाई ये वाला लॉक इसका फेड हो चुका है, अभी इसको ना अंदर से लगवाएंगे, क्योंकि बाहर से लगाने का यही डिसएडवांटेज है कि ये फेड हो चुका है। इतने ज़्यादा हैवी लोड होने के बावजूद जो है ये टायर सर्वाइव कर पाता है या नहीं कर पाएगा, ये देखना अभी बाकी है। चंडीगढ़ हमारे यहाँ से 178 किलोमीटर, तो अभी देखते भाई यहाँ से मीटर 0-0 कर दिया। और एरिया का नाम है धनोटू, धनोटू से लेकर के चंडीगढ़ का डिस्टेंस देखते हैं कितना रहता है। भाई यहाँ पे लोग बहुत स्पीड से निकल रहे, अच्छी खासी चढ़ाई है, और थर्ड गियर में मेरी गाड़ी जो है चली हुई है, तो भाई गाड़ी में कोई भी थोड़ी सी भाई उफ नहीं कर रही है, आराम से इस चढ़ाई को ये चढ़ रही है जो हमारे सुंदरनगर वाली चढ़ाई है। मैक्सिमम टाइम यहीं से अपना फ्यूल ले लेता हूँ। आज मैं फ्यूल नहीं ले रहा क्योंकि मेरी गाड़ी की ना अभी हाफ टैंक है। गाड़ी में फ्यूल लूंगा मैं बिलासपुर में जाकर के, वहाँ पे भी रिलायंस का है। और अभी दिक्कत ये आ रही है कि भाई जब भी खड्डा अच्छा खासा आ रहा है ना, तो जो मेरा राइट साइड वाला टायर है ना वो ऊपर लग रहा है, मतलब क्या है ना वो सेंटर लाइनिंग से टच हो रहा होगा। अगर मैं इसको फुल करवा दूंगा तो 35 लीटर हो जाएगा, मतलब 35 किलो और बढ़ जाएगा, और वो फिर दिक्कत करेगा। इसलिए फ्यूल लूंगा मैं बिलासपुर जा करके, तब तक मुझे रिजल्ट पता चल जाएगा कि कहीं और तो नहीं टच हो रहा टायर।
नींद आने का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है, समझ रहे हो आप? ये दोनों भी सोए हुए हैं और पीछे वाले कस्टमर भी सोए हुए हैं, तो भाई गाड़ी में सभी सो गए हैं और खाली हम ड्राइव कर रहे हैं अकेले। चार बजकर 50 मिनट और आने देखो भाई, आने के यार आने इस बार ना भाई कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रही, आने तब से लेके अब तक सोई हुई थी, अभी जस्ट आने ने दूध पिया है ना आने। और आने भाई देखो आज कितनी खुश है क्योंकि दादी साथ में है, जब भी दादी साथ में होती है ना तो आने खुशी रहती है। ये वाला कहीं लग रहा है ऊपर यार, जैसे मैं इसको चला रहा हूँ ना खड़क खड़क की आवाज आ रही है। ये वाले जो आप लाइनिंग देख पा रहे हो ना, जो ब्लैक ब्लैक सी हो रखी है ना, ये इसके साथ घिसी हुई है, वही जगह है जहाँ पे हम लास्ट टाइम आते हुए रुके थे। तो भाई ये पेड़ और ये नीचे रासदर और अब ये सनसेट पॉइंट, कितना प्यारा फील आ रहा है अभी यहाँ पे, माउंटेन्स कितनी प्यारी दिख रही है। 5:16 आन्या भाई चाबी खा रही है, इसको कुछ खाना नहीं है, इसको सिर्फ चाबी खानी है और मैगी ऑर्डर किया था। ये जितना मेरा मैसेज बॉक्स है ना भाई, ये गाड़ी के मैसेज से ही भरा पड़ा है, आप देख सकते हो भाई लोगों की क्वेरियाँ, ये पूरा ओवरऑल और किसी के मैसेज नहीं आए भाई, ये टोटल के टोटल मैसेज गाड़ी के ही है। अभी तो हम सवार घाट भी नहीं पहुँचे हैं और भाई मैंने पता नहीं कितने ज़्यादा ब्रेक ले लिए हैं, जब भी मैं आने के साथ आता हूँ ना भाई तो मैक्सिमम कुछ ना कुछ भाई लगा ही रहता है, मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेता हूँ। ये रहा हमारा आने, इसने कुछ नहीं खाया, ये सिर्फ कैमरा खाती है और मोबाइल खाती है और मेरी चाबी, गाड़ी की चाबी खाती रहती है और यहाँ पे खड़ी है अपनी गाड़ी, है ना आन्या? आन्या बोलो ना बेटा, क्या कहाँ खड़ी है गाड़ी आपकी? आन्या को बस भाई कैमरा चाहिए खाने के लिए। भाई इतनी चढ़ाई होने के बावजूद भी गाड़ी सेकंड गियर में भाई अच्छा खासा ओवरटेक कर रही है गाड़ी को, तो अभी मैंने जस्ट ओवरटेक किया ट्रक वाले को और भाई सेकेंड और थर्ड गियर में ही गाड़ी चली हुई है, तो भाई गाड़ी में ना 1000 cc का इंजन है भाई, जस्टिफाई है ए स्टार का। अभी तक ना इसमें हाफ टंकी थी फ्यूल की, तो अभी आप देख सकते हो 4 डंडे अभी भी खड़े हो भाई, सिर्फ 1 डंडा कम हुआ है और हम 74 किलोमीटर आ चुके हैं और गाड़ी में भाई थर्ड और फोर्थ बस यहीं तक डल रहा है, 5th गियर अब तक डला ही नहीं है। गाड़ी का पिकअप, क्या पिकअप है यार, मज़ा आ गया इस गाड़ी को चला करके। अगर आप ये गाड़ी लेते हो ना तो पूरा पैसा वसूल है इस गाड़ी में भाई। 6:04 और यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो जाएंगे हम फिर बद्दी वाले रास्ते से, और हाँ ना हम डायरेक्ट जाएंगे मम्मी, और अभी हम जा रहे हैं किरतपुरी वाली साइड से, किरतपुर वाली साइड से, क्योंकि मेरी गाड़ी में जो है ना सामान ओवरलोडेड है और अगर हम बद्दी वाले रास्ते से जाएंगे तो वहाँ पे एक दिक्कत रहती है, खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से गाड़ी में कुछ भी डैमेज हो सकता है और रात के टाइम मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ सीधा किरतपुरी वाली साइड से। हल्की हल्की लालगी है आसमान में सूरज छिपने की और वो कितनी प्यारी लग रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। बस इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, एक इसकी अलाइनमेंट आउट हो चुकी है और दूसरा भाई इसका स्टीयरिंग ना अभी डग 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 कर रहा है। फिलहाल अभी 7 बज चुके हैं और हम रोपड़ से थोड़ा सा पीछे हैं और भाई गाड़ी का टायर आप देख रहे हो ना भाई, ये वाला कितना नीचे है लग गया, यानी कि भाई सेंटर लाइनिंग के साथ साथ ही टच है। मम्मी एक मिनट रुकना, और ये देखो भाई यहाँ पे कितना गैप है, ओ भाई साहब ये है भाई, आप गाड़ी ना फुल्ली लोडेड है। आने को दूध पिलाने के लिए हम रुके हुए हैं एक जगह पे, रोपड़ से थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे शायद ये अनाज मंडी है भाई, गाड़ियाँ दबा-दब चली है दबा-दब। मम्मी की टांगों में दर्द हो रही है ना, ये मंडी है, अनाज मंडी होनी शायद भाई। गाड़ी की ना मैंने पूरी वाट लगा के रखी है, पूरी वाट लगा के रखी है भाई, पूरा पैसा वसूल गाड़ी है ये। तो एक गाड़ी की ना बैक लुक में मैंने कुछ भी चेंज नहीं करवाया, जो स्टॉक इसकी लाइट्स आती है ना मैंने वही रखी है, इसमें कोई LED बल्ब्स नहीं लगाए और जो इसकी लाइट्स है ना वो भी कितनी प्यारी लगती है नाइट के टाइम पे। अभी ना आने वाले टाइम पे मैं अपनी इस गाड़ी में बहुत कुछ चेंज करने वाला हूँ और इसको पूरा मॉडिफाई करेंगे और भी अलग लेवल पे। अभी तक मैंने स्टॉक ही गाड़ी को रखा हुआ था बट इसको मैंने लॉन्ग टाइम के लिए रखना है और इसको बनाएंगे हम ओरिजिनल रैमलिंग बाउंड्रीज टाइप, लाइट्स वगैरह, इसके टायर्स वगैरह, इसके फॉग लाइट्स वगैरह, यानी कि हर एक चीज़ में अपडेट करने वाला हूँ क्योंकि भाई इस पर मैं अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दूंगा अभी, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, तो इसको बनाएंगे हम अपने हिसाब से। भाई ये ना स्कॉर्पियो एन मिक्सअप लुक देती है, वॉल्वो की V90 है और होंडा की जैज है और वैगन आर है भाई, सारा मिक्स कर दिया है इसको पीछे से।
बहुत ज्यादा साथ दिया यार, बहुत ज्यादा साथ दिया है। ये जो टायर है ना आपके काजा तक जाकर के आए हैं, इसमें एक सेकेंड हैंड टायर भी इंक्लूड है जो कि मैंने 600 रुपए का लिया था भाई, पूरा पैसा वसूल। देखते हैं अलाइनमेंट करवा करके, फिर भी ये चलेगा। अभी भी ये कम से कम 1000 किलोमीटर तो कहीं नहीं जाते अगर मैं इसको आराम से चलाऊं, पर क्या करें अगर लॉन्ग ड्राइव चलता है ना तो टायर गर्म हो जाता है, टायर गर्म होने की वजह से ना दिक्कत आ सकती है, टायर ब्लास्ट भी हो सकता है, तो रिस्क लेना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा अब इन फ्यूचर, तो इसको चेंज करवाना ही बेस्ट ऑप्शन है। सो फाइनली भाई अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर। ये रही हमारी गाड़ी भाई, इसकी ना हालत बहुत ख़राब हो रखी है यार। ओ भाई डस्टी डस्ट गाड़ी के ऊपर और ऊपर से पूरी गोंद ही गोंद गिरी है इसके ऊपर भाई, दो डंडे सो रहे हैं। 10:36 हो रखे हैं, 192 किलोमीटर हम अपने घर से यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मेरी गाड़ी की एवरेज आपको पता ही है, अच्छी खासी आ चुकी है और मैं गाड़ी जो है भाई थर्ड और फोर्थ गियर में ही लेके आया हूँ, क्योंकि गाड़ी एक तो लोडेड थी बहुत ज्यादा, टायर जो है ना भाई ऊपर जो फेंडर लाइनिंग है उसके साथ जो टच हो रहा था। फिलहाल अभी हम सेफली घर पहुंच चुके हैं, टायरों की कंडीशन अभी तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है टायरों के साथ भी। इवन अगर मैं चाहूँ तो इन टायरों के साथ 1000 किलोमीटर और निकाल सकता हूँ, बट ये कि भाई लॉन्ग रन के लिए मैं रिस्क नहीं ले सकता अभी इन टायरों के साथ। लॉन्ग रन अगर करता हूँ तो ये ब्लास्ट भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है इनके साथ, तो ये लोकल में चलने के लिए ठीक है। और प्लस जो मेरी गाड़ी की एवरेज है भाई, मैं मान के चलूं तो ये मुझे 17-18 दे रही है, 17-18 के बीच में इसकी एवरेज आ रही है और अभी तक इसके दो डंडे सो रहे हैं, 192 किलोमीटर आई है। एक बार फिर से बता देता हूं भाई, थर्ड और फोर्थ गियर के बीच में ही मैं अपनी गाड़ी को लेकर के आया हूं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अगर आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनब्रिंग बाउंड्रीज, जय हिंद।